नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। अयोध्या केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सांसद लल्लू सिंह ने भी पेश किया रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश सरकार को बताया भारत सरकार की कार्यदायी संस्था। लल्लू सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में अयोध्या में हो रहा विकास कार्य, 84 कोसी परिक्रमा का हो रहा निर्माण, परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले 151 धार्मिक स्थलों का होना है विकास, प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं ये सभी स्थल, दुनिया के लोगों को इस पथ पर ले जाकर कराएंगे दर्शन, अयोध्या में होना है रिंग रोड का निर्माण, शहर में जाम की समस्या से मिलेगी निजात, अयोध्या की सारी सड़कों का स्थानीय लोगों की सलाह पर हो रहा चौड़ीकरण, अयोध्या में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण। तो बिजली का कनेक्शन प्राप्त हो, आम आदमी के जीवन में जो सुविधा चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। उसी के साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय गौरव के स्थल थे, जो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से जिनके नाते समाज को गौरव जो गौरवान्वित होते थे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उसको बता सकें, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जहां काम हुआ है, वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का 5 स्थानों पर उनको पंचतीर्थ के नाम से उन स्थानों को का सौंदर्यीकरण करके डेवलप करके समाज के बीच में उसको भी देने का। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।